ये आपका प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके नाम के ऊपर जाएंगे तो इसका नाम क्या है? ब्रायो। अब ये ब्रायो का मतलब क्या होता है? ब्रायो, अब यहाँ पे देखिए, अगर ब्रायो का मतलब देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक बाई वर्ड आ रहा है, ब्रायो या फिर बाई। बाई का मतलब इसके पास एक डुअल बिहेवियर होता है, डुअल बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या है डुअल बिहेवियर? डुअल बिहेवियर कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइट में हम लोग देखेंगे कि इसमें वाटर और लैंड दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, मतलब दोनों पार्टिसिपेट करता है इसमें, वाटर और लैंड। अब वाटर और लैंड दोनों पार्टिसिपेट करता है ब्रायोफाइटा में, इसीलिए हम इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ऐसा कि बिकॉज दिस प्लांट कैन लाइव इन सोइल, सॉइल में ये जीवित रहता है, सॉइल से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। लेकिन बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे निर्भर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है एंथेरिडियम, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथर। तो एंथेरिडियम जो है ये एंथर को प्रोड्यूस करेगा, और ये देखिए पानी जो होता है रेन ड्रॉप, इसके द्वारा ये जो है एंथेरिडियम जो कि स्पर्म है, ये ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए आर्किगोनिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक वाटर का भी रोल नजर आ रहा है, रेन ड्रॉप जो पानी है इसका एक आपको यहाँ पे रोल नजर आ रहा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि यहाँ पे डुअल बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो ब्रायोफाइट होता है उसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, और ब्रायो का मतलब भी होता है डुअल बिहेवियर, जिसके पास दो तरह का बिहेवियर हो। इस ब्रायोफाइटा में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पहला मोस के बारे में और सेकेंड लाइवर वॉच। ऐसे तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा में, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें केवल दो ही पढ़ना है, मोस के बारे में और लाइवर वॉच। तो ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मोसेस और लाइवर वॉच दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट शेडेड एरिया। तो ऐसे एरिया में ब्रायोफाइटा मिलेंगे आपको जहां पे थोड़ा सा छाया टाइप से हो, शेडेड हो, जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा न पड़ता हो, ऐसे एरिया में आपको ब्रायोफाइट देखने को मिलेगा। जैसे हिल्स में, जो हिली एरिया होता है वहां पे ज्यादा धूप नहीं रहता, और जो पेड़ पौधा भी रहता है तो उसके नीचे पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कैप्सूल, इसको बोलते हैं कैप्सूल, और ये जो है नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, जहां से जॉइंटेड है। इसका दो पार्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में मोस है, और इस मोस का नाम है फ्यूनेरिया। तो आपको फिगर भी ध्यान में रखना है, इस टाइप के फिगर को क्या बोलेंगे? फ्यूनेरिया। यहां पे जो आपको फिगर नजर आ रहा है ऊपर में, ये जो फिगर है इसका नाम है, ये आता है लाइवर वॉट्स में, जिसका नाम मार्क केंटिया, या फिर आपको जो ऐसा लगे वैसा आप नाम पुकार सकते हैं, मार्केंटिया भी बोलते हैं, मार्केंटिया भी बोलते हैं, जो बोलना है वो बोलिए, बस आपको देखकर पता हो जाना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि ऐसा आपको अपने घर के आसपास भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा फोटो खींचकर। तो यहां से हम लोग देख लिए कि ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। यहां तक कोई डाउट? शायद कोई डाउट नहीं होगा। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लैंड पे जो सॉइल होता है उस पर निर्भर होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर निर्भर होता है। इसके बाद यहाँ पे है, दे यूजुअली ओकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। तो कहाँ पे पाया जाता है? जहां पे थोड़ा सा छाया होगा,
जहाँ पे थोड़ा सा नमी भी होगा, जहाँ पानी वगैरह गिरता है, और जहाँ पे शेडेड लोकेलिटीज जैसे कि बड़ा बड़ा प्लांट के नीचे भी आपको घर के आसपास नजर आ जाएगा। तो बरसात के दिन में आप देखिएगा कि ईंटा जो होता है, ईंटा या घर के किनारे किनारे देखिएगा आपको घास जैसा नजर आएगा। वो घास कुछ और नहीं, ये ब्रायोफाइटा ही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन मतलब जहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑन बेयर रॉक और सोयल, ऐसा जगह जहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, स्टोन। अब ये जो स्टोन है, अब स्टोन पे तो कोई सोयल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रायोफाइटा नजर आएगा। तो ये एकदम स्टार्टिंग होता है, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे ये ब्रायोफाइटा आ जाएगा और ह्यूमस क्रिएट कर देगा। और जब ह्यूमस बन जाएगा, जैसे ही इसको ह्यूमस मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे ह्यूमस आ जाएगा, तो ह्यूमस आने के बाद जैसे यहाँ पे आ गया सॉयल, ह्यूमस आ गया, अब यहाँ पे बड़ा बड़ा जो प्लांट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज कह रहा है कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि सबसे पहला नंबर यही आता है और ह्यूमस क्रिएट करेगा, फिर बड़ा बड़ा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर पाएगा। आगे चलते हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। तो एल्गी से ब्रायोफाइट में आपको ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ पौधा है, एल्गी का आपको याद ही होगा, एल्गी में छोटा छोटा रहता है, उसमें उतना पता नहीं चलता है। इट इज थैलस लाइक, इसमें भी थैलस लाइक होता है, इसमें भी आपको पोर देखने को मिलेगा। और इसमें प्रोस्टेट, ये जो होता है प्रोस्टेट इरेक्ट, ये एकदम बड़ा बड़ा आपको नजर आएगा। ये देखिए, यही है प्रोस्टेट, एकदम स्ट्रेट आपको नजर आएगा। अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब नीचे से अटैच होता है, ये जैसे सॉइल है तो सॉइल के लेयर से जो अटैच होता है उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोड, तो इसके पास राइजोड्स होता है। राइजोड्स मतलब क्या, एक छोटा छोटा रूट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको राइजोड्स नजर आ रहा है। ये छोटा छोटा जो जड़ होता है, ये छोटा छोटा जड़, इसी को बोलते हैं राइजोड्स। यहाँ पे भी आपको देखिए छोटा छोटा जड़ देखने को मिल, तो इसी को बोलते हैं राइजोड्स। जो जड़ होता है, तो जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। अब यहाँ पे राइजोड्स हो गया है। साइंटिस्ट लोग का मन था कि इसका अलग नाम देते हैं, तो दे दिए राइजोड्स। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो फिगर है, ये आपका है लाइबरवोर्ट का, लाइबरवोर्ट जिसका नाम है, इसका नाम है मार्केंटिया। यहाँ पे देखिए मार्केंटिया, मार्केंटिया, तो ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन में है, ये आपका है फ्यूनेरिया, इसको भी याद कर लेना है, फ्यूनेरिया। और ये जो है डी वाला में, इसका नाम है स्फेग्नम। तो ये सब नाम आपको याद कर लेना है, स्फेग्नम। तो ऊपर वाला क्या है, मार्केंटिया जो लाइबरवोर्ट है, और नीचे जो है फ्यूनेरिया और स्फेग्नम है, जो कि क्या है, मोस है। ये सब क्या है, मोस। तो यहां तक याद रहेगा। यहाँ पे बोला गया है कि दे लैक ट्रू रूट्स, तो इसमें बड़ा बड़ा रूट नहीं पाया जाता, छोटा छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ट्रू रूट्स नहीं होता है, इसको बोलते हैं फॉल्स रूट। दो तरह के रूट होता है, एक फॉल्स और एक ट्रू रूट। तो इसके पास लैक ट्रू रूट्स, रूट होता है लेकिन ट्रू रूट्स नहीं है। स्टेम और लीव्स, ये भी जो है स्टेम भी है लीफ भी है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, बड़ा बड़ा लीफ नहीं है स्टेम में, स्टेम भी है तो एकदम छोटा सा, जो लगता ही नहीं कि स्टेम भी है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि दे लैक ट्रू रूट्स
स्टेम और लीव्स। दे मे पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके पास होता है जिससे हम बोल सकते हैं इसके पास रूट है, लीफ है, स्टेम है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसके जैसा नहीं होगा, लेकिन होता है इसके पास। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है हैप्लॉइड। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मेन प्लांट बॉडी कहने का मतलब क्या है। मेन प्लांट बॉडी कहने का मतलब ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान दो चीज बनता है, जायगोट और एक हैप्लॉइड स्टेज भी होता है। तो हैप्लॉइड जो सबसे ज्यादा टाइम में रहेगा उसको बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी। तो ब्रायोफाइट में जो सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है वो लेता है हैप्लॉइड वाला। हैप्लॉइड वाला सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा उसी को मेन प्लांट बॉडी में बोला जाता है। तो इसका हैप्लॉइड होता है, किसी का डिप्लॉइड भी होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे पता चलता है। इट प्रोड्यूसेस गैमिट, तो गैमिट तो प्रोड्यूस करेगा ही, प्लांट है, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो जो गैमिट को प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। तो जहां से स्पोर बनता है वो होता है आपका मल्टी सेलुलर ब्रायोफाइट में। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम, उसको एंथेरिडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लेजलेटेड एंथेरोसोइट्स। तो जो एंथेरिडियम होता है, जैसे यहां पे देखिए एंथेरिडियम, तो एंथेरिडियम जो होता है वो एंथेरोसोइट्स जो स्पोर बनाता है एंथेरोसोइट्स, वो इस तरह का देखने को मिलेगा, ऐसा होता है। और इसमें दो फ्लेजिला देखने को मिलेगा, ये है एक ये और एक ये। तो इसे इसको बोला गया बाइफ्लेजलेट, दो फ्लेजेला देखने को मिलता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया, जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है, एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, और एक सिंगल एग बनाता है, मतलब एक ओवम होता है। जैसे मेल और फीमेल में होता है वैसा ही। द एंथेरोसोइट्स आर रिलीज इनटू वाटर, और ये जो है एंथेरोसोइट्स वाटर के साथ, अभी पहले हम लोग देखे थे कि रेन का जो ड्रॉप था उसके साथ अटैच होकर ये ट्रेवल करता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि द एंथेरोसोइट्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनिया, और ये आर्किगोनिया के कॉन्टेक्ट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है एंथेरिडियम और ये जो है वाटर के कॉन्टेक्ट में रेन ड्रॉप, और अब ये यहां से ट्रेवल करेगा और यहां पे आ गया आर्किगोनिया इस जगह पे, और यहां पे अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के होने के बाद फिर यहां पे जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो स्टेज में जाएगा, और फिर यहां पे स्पोरोफाइट, टू एन जो होता है स्पोरोफाइट होता है, और एन जो होता है गैमेटोफाइट होता है। तो एन स्टेज और टू एन स्टेज, अब जिस स्टेज में सबसे ज्यादा होगा उसको बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे हैप्लॉइड स्टेज में ज्यादा रहता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे है अन एंथेरोसोइट फ्यूजेस विद एग। अब एग के साथ जैसे ही एंथेरोसोइट फ्यूज करेगा तो जायगोट को बनाएगा पहला नंबर। जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जायगोट है वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है ये बनता है जायगोट से, तो जायगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, और हैप्लॉइड से बनता है गैमेटोफाइट। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, जो ऊपर वाला है इसको मार्केंटिया बोलते हैं, जो लाइवर वोट्स है, और नीचे वाला जो है ये आपका क्यूनेरिया है और स्पेगनम है। इसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे
स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, इसका कहने का मतलब क्या है? तो जो स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट होता है, तो ये सब एक जैसे जैसे यहाँ पे सॉइल है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सॉइल वाला पोर्शन है, तो ये जो सॉइल पोर्शन है इससे ये कनेक्टेड है, नीचे गैमेटोफाइट, और इस ये जो गैमेटोफाइट है ये आगे चलकर यहाँ पे स्पोरोफाइट बनाता है, ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और ये जो है नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ऊपर में कैप्सूल बनेगा ये गैमेटोफाइट है। तो ये जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, तो स्पोरो यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों क्या है, सॉइल से कनेक्टेड है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कनेक्टेड है, इसीलिए बोला गया है कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। यहाँ पे भी कह रहा है कि ये जो गैमेट है, ये जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे लीफ आपको देखने को मिलेगा। अब ये जब लीफ है तो इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो उसको खाना चाहिए स्पोरोफाइट को, तभी तो वो भी डेवलप कर पाएगा। तो यहाँ पे लिखा बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, कौन, स्पोरोफाइट, एंड डेराइव नॉरिशमेंट फ्रॉम इट, और गैमेटोफाइट से नॉरिशमेंट मिलेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है। सम सेल, कुछ सेल जो होते हैं वो स्पोरोफाइट का वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं, जैसे ये जो स्पोरोफाइट है ये रिडक्शन डिवीजन करेगा और यहाँ पे स्पोर बनेगा। स्पोर मतलब जैसे सीड होता है वैसे यहाँ पे स्पोर होता है, एंथेरिडियम, टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर। तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा जो कि जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा गैमेटोफाइट। यहां तक आपका क्लियर होगा? अगर यहां तक आपको दिक्कत है तो फिर से लेक्चर को पीछे करके और फिर से दोबारा देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अभी हम यहां पे देखेंगे ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हम लोग इसका कुछ इस्तेमाल भी करते हैं अपने लाइफ में, बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। तो कुछ जो है फूड को प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे स्फेग्नम आप देख सकते हैं ये घास जैसा दिख रहा है, इसको क्या है गाय और बैल ये सब जो है छोटा छोटा जानवर जो है बकरी ये सब खा जाता है इसको, तो अपना फूड के लिए उन लोग इस्तेमाल कर रहा है। बर्ड्स भी इसको खाते हैं और अदर एनिमल्स भी। स्पेसीज ऑफ स्फेग्नम, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्फेग्नम, स्पेसीज ऑफ स्फेग्नम जो कि एक मोस है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पेसीज है जैसे स्फेग्नम है जो कि मोस है, प्रोवाइड पीट, पीट प्रोवाइड करता है। पीट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग घर में पौधा लगाए होंगे तो पौधा लगाने के लिए एक स्पेशल टाइप का मिट्टी चाहिए, स्पेशल टाइप का सॉइल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सॉइल है जो कि मोस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, मोस के द्वारा बनाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं पीट और इसको बोलते हैं पीट मोस क्योंकि ये मोस के द्वारा बनाया हुआ है। अब इसको पीट क्यों बोलते हैं, पीट का मतलब होता है ऐसा प्लांट का प्रोडक्ट जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, जिसमें पानी को इकट्ठा किया जा सकता है बहुत देर तक, उसी को बोलते हैं पीट। तो जो स्फेग्नम है वो पीट प्रोवाइड करता है, दैट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल कहने का मतलब है कि ये जो पीट है इससे यहाँ पे देखिए प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है पानी को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है, जिससे कि जो प्लांट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, जाइलम के द्वारा, तो ये एक फ्यूल की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे पैकिंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल,
तो वही जो प्लांट जो है वो जाइलम के द्वारा पानी को लेता है अंदर, तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे ना, तो वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा। मोसेस अलोंग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा लैंड पूरा ये जो है मोस से भरा हुआ है। जैसे लाइकेन जो होता है फर्स्ट टाइम किसी भी सरफेस पे आता है, जहां पे थोड़ा सा पानी गिरेगा लाइकेन नजर आ जाएगा, उसी तरह से मोस भी जब पानी और नमी आ जाता है तो वहां पे आपको मोस देखने को मिलेगा और ह्यूमस क्रिएट कर देगा, और फिर बड़ा बड़ा प्लांट वहां पे आसानी से उग सकता है, ग्रो कर सकता है। तो मोसेस अलोंग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइकेन होता है उसी तरह से मोस भी है जो कि रॉक को कोलोनाइज करता है, मतलब रॉक को ह्यूमस प्रोवाइड करता है और वहां पे बहुत सारा प्लांट का ग्रोथ कर देता है। हेन्स आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इससे क्या है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ता है। दे डिकम्पोज रॉक, तो रॉक को डिकम्पोज करने लगेगा और ह्यूमस क्रिएट कर देगा, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। तो यहां पे कहा जा रहा है कि दे डिकम्पोज रॉक, रॉक को डिकम्पोज करेगा और सबस्ट्रेट तैयार करेगा, वही जैसे पीट वगैरह है, और फिर वहां पे जो हायर प्लांट है वो आसानी से वहां पे ग्रोथ कर सकता है। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सोइल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मैट की तरह है, चटाई की तरह यहाँ नजर आ रहा है, इतना सारा है। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी गिरने लगे, बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगा, ये जो मैट की तरह बन गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सोयल इरोजन रुक जाएगा, मतलब जो मिट्टी जो कटता है ना, मिट्टी अपरदन, उसको रोक देगा, सोयल इरोजन को रोक देगा। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इंटू लाइबरवोर्स और मोसेस। तो ब्रायोफाइट को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, लाइबरवोर्स और मोसेस, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारा इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये रिसर्च कर रही है। तो आपको भी घर के आसपास जाना है, अगर आप घर में रहते हैं तो घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए और आसपास देखिए, यहाँ पे इस ग्रीन ग्रीन प्लांट मिलेगा जो एक मैट की तरह होगा, और उसको फोटो खींचना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ताकि हमको भी पता चले कि आप थोड़ा मोड़ा घूमते भी हैं। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 7337 11454, इस पर आपको सेंड कर देना है फोटो खींच कर, जिससे हमको भी पता चले कि आप पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये जो प्लांट है इसका नाम है फ्यूनेरिया। क्या नाम है? फ्यूनेरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट तीन तरह का होता है, लाइबरवोर्ट्स, मोसेस और हॉर्नवोर्ट्स। हॉर्नवोर्ट्स आपको नहीं पढ़ना है, लाइबरवोर्ट्स और मोसेस पढ़ना है। तो यहाँ पे लाइबरवोर्ट्स है। द लाइबरवोर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मोस्ट एंड सैडी हैबिटेट। तो ये जहाँ पे छायादार जगह होता है वहीं पे ये पाया जाता है, और जहाँ पे नमी देखने को मिलेगा। सच इज बैंक ऑफ स्ट्रीम, जहाँ पे पानी वगैरह बहुत ज्यादा गिरता है, झरना वगैरह वहां पे देखने को मिलेगा। मार्सी ग्राउंड, दलदल वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा। डैम्प सोयल, ऐसा सोयल जहाँ पे थोड़ा सा नमी हो और आसपास प्लांट वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री जो होता है, जो प्लांट होता है उसके छाल पे आपको देखने को मिलेगा। एंड डीप इन द वुड्स, और लकड़ी में भी आपको देखने को मिलेगा, लकड़ी के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बार्क है, और ये बार्क वाले जो प्लांट होता है ट्री, उस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लाइबरवोर्ट्स ही है। द प्लांट बॉडी ऑफ लाइबरवोर्ट्स इज थैलोइड, इसमें थोड़ा सा पोर भी देखने को मिलता है, थैलस टाइप का, और इसको बोलते हैं मार्केंटिया। जो आपको नाम बोलना है वो बोलिए, मार्केंटिया, मार्चेंटिया, जो भी।
The thalassis dorsiventral and closely apprised to the substrate. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रहता है एकदम जमीन से सटा हुआ मिलेगा. Dorsiventral closely apprised मतलब जमीन पे ऐसे पसरा हुआ मिलेगा. जैसे जो मोटे लोग होते हैं ना जमीन पे कैसे पसर जाते हैं वैसे ही. The leafy members have teeny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. यहाँ पे आपको छोटा सा लीफी अपेंडेज देखने को मिलेगा. छोटा छोटा लीफ एकदम छोटा छोटा लीफ होता है. जैसे आप छोटा छोटा बच्चा के उंगली देखे होंगे एकदम छोटा छोटा रहता है उसी तरह का. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. तो यहाँ पे असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है ऑफ थाली और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गेमा. तो ये तो आप शायद नहीं देखे होंगे गेमा कप. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए ये जो है गेमा कप है जिसको हम लोग थाली भी बोलते हैं. तो गेमा कप तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गेमा कप. अब वो अगर कट के हटेगा तो एक नया प्लांट का ग्रोथ कर देगा. गेमा आर ग्रीन मल्टी सेलर एंड असेक्सुअल बर्ड. तो असेक्सुअल बर्ड होता है उसको वहां से काट के दूसरी जगह पे लगा देंगे तो नया मार्केंटिया बन जाएगा. विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स. तो स्मॉल रिसेप्टेकल्स में ग्रो करता है जिसको बोलते हैं गेमा कप्स एंड लोकेटेड ऑन थाली. द गेमा बिकम्स डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. और जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है. मतलब वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको काट के दूसरा जगह पे लगा देंगे तो क्या होगा एक नया प्लांट बन जाएगा नया मार्केंटिया. तो वही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है. इसके बाद यहाँ पे देखिए द गेमा बिकेम्स डीअटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी. वहां से गेमा को हटाएंगे दूसरा जगह पे लगाएंगे तो एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आते हैं सेक्सुअल पे. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम या डिफरेंट थाली. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेल और फीमेल जो होता है या तो अलग अलग प्लांट बॉडी पे पाया जाएगा या सेम पे ही पाया जा सकता है. जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग में है आर्किगोनिया और एंथेरेडियो फोर. तो आर्किगोनिया तो ये क्या है ये फीमेल पार्ट है और ये जो है ये मेल पार्ट है एंथेरेडियो फोर और यहाँ पे फीमेल है आर्किगोनिया. द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू फूट सीटा एंड कैप्सूल. तो ये जो है इसमें तीन चीज देखने को मिलेगा फूट सीटा कैप्सूल. फूट का मतलब जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है जैसे ये जो पोर्शन है फूट सीटा कैप्सूल. ये तीन चीज हुआ फूट सीटा कैप्सूल. आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल. अब जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आफ्टर मियोसिस जब मियोसिस होगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल. तो स्पोर यहाँ पे बनेगा कैप्सूल के अंदर एंड दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. और ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा तो एक नया गैमेटोफाइट तैयार करेगा. अब आते हैं हम लोग मोसेस पे. तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है कम ही पढ़ना है तो और थोड़ा सा 5 मिनट आपका लगेगा और ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. मोसेस द प्री डोमिनेट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोस. तो मोस का जो मेन लाइफ साइकिल होता है जिसपे पूरा जिंदगी का लगभग 50% से ज्यादा जो समय होता है वो इसका होता है गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज. तो गैमेटोफाइट में भी दो स्टेज है. पहला फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज
पहला जो है प्रोटोनेमा। तो जो लाइफ साइकिल है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट में भी दो स्टेज है, पहला स्टेज है प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा स्टेज है लीफी स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। अब ये स्पोर से डायरेक्ट बनता है। और सेकेंड जो पार्ट है वो लीफी स्टेज है, जैसे क्रीपी ग्रीन ब्रांच, जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन। तो ये जो है सेकेंड स्टेज है, जो ग्रीन ग्रीनिश स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जो लीफ वाला। एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, जो स्ट्रेच बड़ा बड़ा जो देखने को मिलता है स्टेम, फिलामेंटस स्टेज भी है विच इज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है, जो ये जो है, जैसे ये है फिलामेंटस, ये है फिलामेंटस स्टेज। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एंड बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। तो यहाँ पे स्पाइरली अरेंज लीफ आपको देखने को मिलेगा, ऐसे स्पाइरल की तरह। एंड दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलर ब्रांच राइजोट्स। और इसके पास यहाँ पे राइजोट्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। और इसके पास सेक्स ऑर्गन भी होता है, यहाँ पे कैप्सूल से स्पोर बन जाएगा। तो शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब किसी पोर्शन को काट के अगर दूसरा जगह पे लगाएंगे तो वो लगेगा कि नहीं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो लगेगा। इसका जो तरीका है वो फ्रेगमेंटेशन है, काट के लगा सकते हैं। और दूसरा जो बर्ड निकलता है उसको भी काट के लगाया जा सकता है। इस द सेकेंडरी प्रोटोनेमा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे, द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया आर्किगोनिया दोनों होता है, आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी सूट, ऊपर में पाया जाएगा, सबसे ऊपर में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप होगा, वैसे ही होगा जैसे लाइबरवर्ट में हुआ था। जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग, जिसके पास फूड सीटा कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लाइबरवर्ट। जैसे आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं स्पोरोफाइट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, लीफ वगैरह सब कुछ है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, इस कैप्सूल के पास स्पोर होगा जैसे उसमें था। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, सेम टू सेम सारा प्रोसेस है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोस में एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, जो पहले ही देख लिए थे, ऐसे बना था कैप्सूल, यहाँ से निकला था यहाँ पे लीफ वगैरह। ये पॉलीट्राइकम है, जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है ये पूरा इमेज पॉलीट्राइकम है। ये भी जो फूल वाला है बहुत बढ़िया फूल है, तो ये भी है पॉलीट्राइकम। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, स्फेग्नम आप पहले ही देख चुके हैं। तो मोस का तीन एग्जांपल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। तो इसको याद कर लेना है, आपको क्लासेस में पूछा जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे।